एक बार फिर से स्वागत है आपका श्री देवी क्लासेस के अंदर। जैसा कि हमारा सर्वेइंग सब्जेक्ट चल रहा था, उसी से रिलेटेड आज हम बात करेंगे लीनियर मेजरमेंट्स। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्टली हम देखते हैं लीनियर मेजरमेंट होता क्या है। लीनियर मेजरमेंट इन विच हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करते हैं टू पॉइंट्स के बीच की। टू पॉइंट्स होते हैं उनके बीच की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस को मेजर करते हैं और वही लीनियर मेजरमेंट होता है। इसके अंदर जैसे टेप से कर रहे हैं और के अंदर कोई अदर इंस्ट्रूमेंट उससे भी लीनियर मेजरमेंट कर रहे हैं, तो ये जो भी लीनियर मेजरमेंट्स होंगे वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं, वर्टिकल भी हो सकते हैं। और ये मेजरमेंट्स अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से लिए जाएंगे बट होंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मेजरमेंट। इनको ब्रीफली हम आगे देखते हैं। लीनियर मेजरमेंट्स के कुछ मेथड्स हम देखते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट आता है अप्रोक्सीमेट मेथड, देन सेकंड वन इज डायरेक्ट मेथड, थर्ड वन इज इनडायरेक्ट या फिर ऑप्टिकल मेथड और फोर्थ वन इज इलेक्ट्रॉनिक मेथड। अप्रोक्सीमेट मेथड के अंदर क्या होगा, अप्रोक्सीमेट हम लेंथ को मेजर कर लेते हैं। लीनियर मेजरमेंट अप्रोक्सीमेट होता है, एक्यूरेट नहीं होता है, उसको हम अप्रोक्सीमेट बोलते हैं। ये किस किस से कर सकते हैं, पेसिंग, पैसोमीटर, पेडोमीटर, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर और पैरम्बुलेटर, इनसे क्या होगा हम लीनियर मेजरमेंट कर लेंगे। डायरेक्ट मेथड के अंदर दो चीजें आती हैं, एक आता है चैन इंस्ट्रूमेंट होता है और एक होता है टेप। इन दोनों से क्या करेंगे हम लीनियर मेजरमेंट कर लेंगे। ये आता है डायरेक्ट मेथड के अंदर, ऑप्टिकल या फिर इनडायरेक्ट मेथड के अंदर हम टैक्यूमीटर से करेंगे। और फोर्थ वन आता है इलेक्ट्रॉनिक मेथड, इसमें होता है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और सेकेंड वन इज माइक्रोवेव। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल में लाइट वेव्स निकलती है, उनके थ्रू हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं, और सेकेंड माइक्रोवेव में रेडियो वेव्स निकलती है, उनसे हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। अप्रोक्सीमेट मेथड के अंदर फर्स्ट है हमारा पेसिंग या फिर जिसको हम बोलते हैं स्टेपिंग, एक स्टेप जो लेते हैं इस तरह से, वो होगा हमारे पास पेसिंग। काउंटिंग नंबर ऑफ स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप्स जितने भी हम चलेंगे उनको क्या करेंगे हम काउंट करेंगे, टेकिंग बाय मेन फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक जो भी हम डिस्टेंस मेजर करते हैं किसके थ्रू, बाय स्टेप्स, उसको हम बोलते हैं पेसिंग या फिर स्टेपिंग। ये एक रफ और स्पीडी वर्क है। ए वॉकिंग स्पेस ऑफ ए मैन इज कंसिडर्ड, अगर हम एक पेस की बात करें, इसमें जो एक पेस कंसीडर किया जाएगा वो होगा 2.5 फीट और 80 सेंटीमीटर। इट्स जनरली यूज्ड इन रिकॉनेंस सर्वे के अंदर इसको यूज किया जाएगा। और ये सर्वे होता क्या है, इन दिस सर्वे कंसिस्ट ऑफ रैपिड और रफ। रैपिड सर्वे है, जल्दी हो जाता है, और एक रफ इन्वेस्टिगेशन करते हैं किसकी, फील्ड की या एरिया जो भी हमें मेजर करना है उसकी हम एक रफ इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ड्यूरिंग दिस सर्वे द रेफरेंस स्केच ऑफ द ग्राउंड, एक ग्राउंड का एक रेफरेंस स्केच बना लेते हैं, जिससे कि क्या होगा कि नोट द पोजीशन ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की पोजीशन का हमें पता चल जाएगा, प्लस रोड कहाँ पे है, उसके अंदर स्ट्रीम्स कहाँ पे है, ये सब कुछ इस सर्वे से पता किया जाता है। ये रैपिड है और रफ है। एक पेस होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, जैसा कि इसके अंदर इमेज के अंदर शो हो रहा है, ये वन पेस होता है, और ऐसे काउंट करते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इस ट्री से हमें डिस्टेंस मेजर करनी है तो ये हो जाएगा वन पेस, टू, थ्री, फोर, फाइव, ऐसे करके हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे। और वन पेस जो होता है उसकी जो लेंथ होती है वो होती है 2.5 फीट और 80 सेंटीमीटर। सेकंड हमारे पास आता है पैसोमीटर। इट्स ए पॉकेट डिवाइस होता है, ये इस तरह का डिवाइस होता है जो कि पॉकेट के अंदर भी आ जाता है, विच काउंट द नंबर ऑफ पेसेस। लास्ट में हमने पेसेस पढ़ा था, वो पेसेस को काउंट करता है, उनके नंबर्स को क्या करेगा, ये काउंट कर देगा, नंबर ऑफ पेसेस टेकन बाय ए पर्सन कैरिंग इट, जो इसको लेके जा रहा है, जो कैरी कर रहा है, उसके जो पेसेस होंगे उनको ये क्या करेगा, काउंट करेगा। इट्स मैकेनिज्म इज बीइंग ऑपरेटेड बाय द मोशन ऑफ द बॉडी, ये बॉडी के मोशन के साथ ऑपरेट करता है। डिसएडवांटेज क्या होंगे, जहाँ पे टोपोग्राफी होगी वो अफेक्ट करेगी। इसके अंदर टोपोग्राफी कैसे इफेक्ट करेगी, इसके डिसएडवांटेज होंगे कि टोपोग्राफी होगी वो अफेक्ट करेगी एक्यूरेसी को। अब टोपोग्राफी कैसे अफेक्ट करेगी कि इस तरह से अगर इस तरह से रोड है या फिर कोई भी पैसेस है जिसके ऊपर हम मेजर कर रहे हैं, जिसके हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो कहीं पे स्टेप कम होंगे, कहीं पे बड़े होंगे, कहीं पे छोटे होंगे, बड़े होंगे, इससे जो डिस्टेंस एक्यूरेट आनी चाहिए वो नहीं। सेकंड वन है रिक्वायर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस की नीड होगी। इसके अंदर कंसिस्टेंट पेस होंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसका एक पेस होता है, ये जरूरी नहीं है कि हम इक्वल पेस इक्वल हो, ये डिस्टेंस जो है आगे आएंगे इनकी पेसेस के अंदर ये इक्वल हो, ये क्या होंगी डिफरेंट होती है टाइप ऑफ लैंड से। जैसे कि अगर इस तरह से है तो कहीं पे ऊपर चढ़ेंगे तो यहाँ पे स्टेप्स छोटे आएंगे, बट अगर कोई नीचे उतरते हैं किसी
स्लोप से, तो ये क्या आएंगे, ये पेसेस बड़े आएंगे, तो इससे क्या होगा, हमें प्रैक्टिस की नीड होती है। थर्ड वन हमारे पास आता है पेडोमीटर। ये एक ऐसा डिवाइस होता है विच काउंट दी स्टेप, जो स्टेप्स होते हैं उनको काउंट करता है और डायरेक्टली हमें क्या दे देगा, ये डिस्टेंस को मेजर करके दे देगा, डायरेक्टली हमें डिस्टेंस को मेजर करके देगा मल्टीप्लाइंग दी नंबर ऑफ स्टेप्स, जो नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे उनको मल्टीप्लाई करके हमें ये डिस्टेंस प्रोवाइड कर देता है। पेसोमीटर के अंदर क्या था कि सिर्फ और सिर्फ जो स्टेप्स होते हैं उनको काउंट करता है, ये उनको काउंट करके ये डायरेक्टली हमें डिस्टेंस भी प्रोवाइड करवा देता है। इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं किसके अकॉर्डिंग, लेंथ हो पेस के अकॉर्डिंग हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, तो दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या हुआ, पेसोमीटर के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें काउंट करके देता है नंबर ऑफ स्टेप्स, इसके अंदर हमें ये क्या होगा, डिस्टेंस भी प्रोवाइड करवा देता है। ये इस तरह से एक डिवाइस होता है जिसको हम ऐसे कैरी करके चलते हैं। इससे क्या होगा, जो एक्सरसाइज के अंदर जो कैलोरीज कितनी बर्न हुई है वो भी इसके अंदर शो हो जाती है, किलोमीटर और माइल के अंदर ये डिस्टेंस को शो करता है। फोर्थ वन है हमारे पास ओडोमीटर। ओडोमीटर एक ऐसा सिंपल डिवाइस होता है जिस जो अटैच कर दिया जाता है व्हील के साथ। ओके, व्हील के साथ अटैच करके ओडोमीटर रजिस्टर द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन होता है वो रजिस्टर करता है बाय द व्हील। व्हील के जो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन होंगे उनको क्या करेगा, ये काउंट कर लेगा, रजिस्टर कर देगा। दिस डिवाइस में भी इलेक्ट्रॉनिक, ये इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, मैकेनिकल भी हो सकता है, अदरवाइज ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। जैसे कि ये इसके अंदर दिख रहा है, ये किलोमीटर पर आवर जो स्पीड होती है ये इसके अंदर शो हो रही है, बट ये स्पीड शो नहीं कर रहा है, किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है बट ये स्पीड शो ना करके ये टोटल लेंथ जो हमने मेजर की है, इसमें जो व्हील था उसने जो टोटल लेंथ मेजर की है वो इस ओडोमीटर के अंदर शो होती है। जैसे एक व्हीकल के अंदर अगर हम इसको लगाते हैं तो इससे ये पता चलेगा कि व्हीकल कितने किलोमीटर चला है, कितने किलोमीटर तक व्हीकल ने ट्रेवल किया है, तो इससे क्या होगा, डायरेक्ट उसकी डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये इस तरह से एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हमने देखा होगा व्हीकल्स के अंदर लगा हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पीडोमीटर की। स्पीडोमीटर जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है स्पीड, तो ये स्पीड को एक शो करता है, उसके साथ साथ में व्हीकल ने कितनी डिस्टेंस है ट्रेवल की है वो भी इसके साथ साथ बता देता है। जैसे कि ये इसके अंदर ये इसकी स्पीड को बता रहा है कितने किलोमीटर पर आर है, और साथ साथ में ये जो कितने किलोमीटर तक ये व्हीकल चल चुका है वो बता रहा है। जबकि ऑडोमीटर के अंदर हमने देखा था वो सिर्फ और सिर्फ हमें क्या बताता था कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है व्हील ने, ओनली वो शो करता था। तो आजकल के जो भी ऑटोमोबाइल्स हैं उनके अंदर ये प्रोवाइड किया जाता है स्पीडोमीटर बाय रनिंग द व्हीकल। जब व्हीकल रन करता है उसके साथ साथ ये डिस्टेंस को मेजर करके हमें बता देता है। तो जो भी लोग व्हीकल यूज करते हैं, फोर व्हीलर चलाना जानते हैं, उन लोगों ने ये देखा होगा स्पीडोमीटर। नेक्स्ट हमारे पास आता है पैरम्बुलेटर या फिर सर्वेयर व्हील। ये एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या होता है, ये ऐसे एक व्हील होता है वो रोल करता है। क्या होता है, व्हील दैट रोल्स ओवर द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर ये क्या करते हैं, हम इसको ऐसे रोल करवाते हैं अलोंग विद क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोल करवाएंगे। तो इससे क्या होगा, डायल प्लेट, ये इसके ऊपर एक डायल प्लेट होती है, उसके ऊपर उसकी डिस्टेंस कितनी इस व्हील ने डिस्टेंस को ट्रेवल किया है वो इसके ऊपर आ जाता है। ये इंडेक्स शो कर देता है हमें कि कितने इसने डिस्टेंस मेजर की है, और इसको हम इस तरह से मेजर करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आज हमने बात की थी लीनियर मेजरमेंट्स के अप्रोक्सीमेट मेथड्स की, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डायरेक्ट मेथड्स की। तो बने रहिए मेरे साथ।